यशोधरा नगर थाना अंतर्गत चीकली उड़ान पुल पर बुधवार को दिन दहाड़े मिर्ची कारोबारी के नौकर से 20 लाख रुपए की लूट की गई। इस मामले में नौकर ने हादसे के 3 घंटे बाद इसकी जानकारी अपने मालिक को दी, जिससे संदेह की सुई उस पर भी जा रही है। यशोधरा नगर थाना अंतर्गत चिकली उड़ान पुल पर दिन दहाड़े मिर्ची कारोबारी के नौकर से 20 लाख की लूटपाट की घटना घटित हुई। मिर्ची कारोबारी मोहन साजवानी के नौकर सिद्धार्थ पुरुषोत्तम रामटेके ने घटना के करीब 3 घंटे के बाद इस लूटपाट की जानकारी दी। यशोधरा नगर के वरिष्ठ थानेदार विश्वनाथ चौहान को घटना के बारे में करीब 7:30 बजे मिर्ची कारोबारी से जानकारी मिली, तब वे सहयोगियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। इस घटना के बारे में पता चलते ही पुलिस की नींद उड़ गई। घटना स्थल पर वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे। चर्चा है कि लुटेरों की संख्या 3 है। साजवानी का नौकर रामटेके भी शक के दायरे में है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दिनांक 27/7/2022 रोजी दुपारी 3:30 वाजने सुमारास निर्यातित सिद्धार्थ रामटेके हे कळमना मिर्ची मार्केट येथून ते काम करत असलेल्या ठिकाणावरून पैसे घेऊन 20 लाख रुपये घेऊन तो जरीपटक्याला ट्रान्सपोर्टचे पैसे देण्यासाठी तो निघाला होता। दरम्यान दुपारी 3:45 निघाल्यानंतर चिखली ब्रिज या पुलावर आल्यानंतर पाऊस चालू झाल्याने चिखली ब्रिजवर तो रेनकोट परिधान करण्यासाठी तो थांबला होता ॲक्टिवा गाडी पार्किंग करून। त्याचवेळी 3 अनोळखी इसम आले आणि फिर्यादीला धमकावून त्याचे ताब्यातील जे 20 लाखाची रोख रक्कम होती ती बॅगसह घेऊन पळून गेले। पुलिस को संदेह है कि घटना के लिए टेप दी गई है, जिसके चलते आरोपियों ने आसानी से इस घटना को अंजाम दिया और फरार हो चले। रामटेके उड़ान पुल से एक्टिवा पर रुपए की बैग लेकर निकला था, इस दौरान उक्त घटना हो गई। यशोधरा नगर पुलिस ने लूटपाट का मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।